इस वीडियो में छोटी का कमाल पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। छोटी का कमाल ये एक कविता है, जिसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सूतली, लेकिन जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। तो ये देखो बच्चों, ये इसका नाम छोटी और ये समर सिंह। तो ये अपने आप को मोटा तगड़ा और लंबा समझते थे और छोटी को बहुत दुबली पतली, इसलिए अपनी और छोटी की तुलना किससे कर रहे हैं, खुद को आलू भरा पराठा कह रहे हैं और छोटी को पतली रोटी जैसी, कभी खुद को पटसन का रस्सा बता रहे हैं जो बहुत मोटा होता है, और सूतली छोटी के लिए बोल रहे हैं जो पतली रस्सी होती है, लेकिन जब शीशा पर बैठे तो जैसे ही बैठे तो इनका वजन ज़्यादा होने के कारण ये नीचे धम से बैठ गए और छोटी जा पहुंची झूले की इस चोटी पर, इसलिए फिर इनका सर चकराया। अब इस कविता की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो बच्चों, कविता को अच्छी तरह याद करते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, समर सिंह थे बहुत अकड़ते, फिर ये कोमा, छोटी कितनी छोटी, और ये पूर्ण विराम, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सूतली, लेकिन जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी इनके विलोम शब्द लिखना है। तो मोटा का उल्टा क्या होगा, पतला, कच्चा का पक्का, लंबा का छोटा, भरा का खाली। प्रश्नों के उत्तर लिखो, क्या तुम कभी शीशा झूले पर बैठे हो, यदि हाँ तो बताओ कहाँ। तो ये बच्चों आपको अपने हिसाब से बताना है, जैसे हाँ और कहाँ बैठे, अपने स्कूल में या अपने घर के पास के पार्क में। समर सिंह क्यों अकड़ते थे, समर सिंह अपने आप को लंबा मोटा और तगड़ा समझते थे, इसलिए अकड़ते थे। छोटी शीशा पर ऊपर क्यों पहुंच गई, क्योंकि दूसरी तरफ बैठे समर सिंह का वजन उससे बहुत अधिक था। समर सिंह क्यों चकराए, जब समर सिंह शीशा पर बैठे तो छोटी जा पहुंची चोटी पर, इसलिए समर सिंह चकराए। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर आपको इन दोनों शब्दों में से एक भरना है। समर सिंह बहुत बिगड़ते थे या अकड़ते थे, तो यहाँ पर आएगा अकड़ते थे। ऐसे ही छोटी ने अपना कमाल दिखाया या माल दिखाया, यहाँ आएगा कमाल दिखाया। समर सिंह स्वयं को क्या कहते थे, कच्चालू या आलू, तो यहाँ पर आएगा आलू भरा पराठा कहते थे। शीशा पर बैठने पर समर सिंह के होश ठिकाने आ गए। चित्र पूरा करो और रंग भरो। तो बच्चों, पहले अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन बिंदुओं को मिलाते हुए इस चित्र को पूरा करना है, उसके बाद इसमें सुंदर सा रंग भरना है। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों वाले मेरी वीडियो को जरूर देखें। बच्चों, किसी भी झूले पर झूलते समय बच्चों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में पहले पता करना है और फिर ही उस झूले पर जाना है। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड।
हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।